दोस्तों लाइव अंताक्षरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम, मैं यानी कि मीनस सिंह भी, और मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे को होस्ट बाला नागेंद्र जी। वनकम, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम टू लाइव अंताक्षरी। मैं हूं बाला नागेंद्र, वंस अगेन हैज कम विद अ बंच ऑफ फन टू होस्ट लाइव अंताक्षरी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू प्ले विद अ स्पेशल थीम। जी हाँ बिल्कुल, आज एक स्पेशल थीम है और वो थीम ये है कि आज हमारे शो में हम जो भी क्लिप आपको सुनाएंगे वो होगी बड़ी सैड सैड सी, क्योंकि आज सैड वाला थीम हमने लिया है और देखते हैं कि आप पहचान पाते हैं या नहीं पाते। अलग अलग राउंड होंगे, अलग अलग टाइप्स के, तो हम जैसे जैसे राउंड आएंगे वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे कि आपको क्या बताना है इस राउंड में। तो थीम है सैडनेस की, और हम आपको बता दें कि इस बार जो है हमने व्हाट्सएप पे भी चैट लेने की कोशिश की है, क्योंकि काफी सारे लिसनर्स हैं जो व्हाट्सएप पे आना चाहते थे, वो कहते थे कि भाई हम स्काइप यूज नहीं करते, तो आपको ऐसा कुछ करना चाहिए कि व्हाट्सएप के जरिए या किसी और मेथड के जरिए हम आपको साथ अंताक्षरी या कोई भी गेम खेल सके। तो उन्हीं की फरमाइश को पूरा करने के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार किया है, तो देखते हैं कि काफी सारे लोग चाहते हैं आना, तो किस किस के चैट आते हैं तो पता लग ही जाएगा। चलिए तो फटाफट से हम शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते बाला। व्हाट डू यू से? जी बिल्कुल, लिसनर्स ओपन योर स्काइप आईडीज इन बास्केट दैट कनेक्ट्स यू विद रेडियो उड़ान। आंसर इज द पर्सन हु आंसर्स द मोस्ट विद दैट मोस्ट एक्यूरेसी विल बी गिवन अ प्राइज ऑन दिस स्पेशल डे, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट, आई मीन वी आर गोइंग टू होस्ट दिस डे विद अ स्पेशल थीम। The theme is going to be of a little bit sadness. We are going to be, although we are going to make the show lively with full of bliss, but the theme is sadness. So hurry up. And those who don't use Skype, don't worry. We are on WhatsApp as well. You do your best to reach us through WhatsApp. We are available on WhatsApp as well. If you want to launch your messages through Facebook, Twitter, or through our website www.radiodon.com, there also we are available. तो चलिए बढ़ते हैं आगे फटाफट से। एज यूजुअल आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो कि है लाइव अंताक्षरी के नाम से, आप उस पर भी हमें चैट कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ पर चैट करके बता सकते हैं, और जो लोग स्काइप पे खेलना चाहते हैं उनके लिए बहुत सिंपल, आप हमारी रेडियो उड़ान आईडी जो कि है रेडियो उड़ान, उस पर आप हमें चैट करके हमारे साथ लाइव अंताक्षरी खेल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला राउंड हम आपको बता देते हैं। पहला जो राउंड है वो है, उसमें थोड़ी आवाज सुनाई देगी आपको, आपको आवाज सुनकर पहचानना है कि आवाज किसकी है। तो ये आवाज किसी की भी हो सकती है, तो आपको सिर्फ पहचानना है कि वो कौन है। अगर आपने सही आवाज पहचानी तो हमेशा की तरह आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहली क्लिप सुनाते हैं आपको, पहले राउंड की आवाज आपको पहचाननी है, और मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक सिंगर की आवाज है, आपको पहचानना है कि ये कौन से सिंगर है। यस वाला, या वी आर गोइंग टू बिगिन विद अ वॉइस राउंड, यू हैव टू लिसन एंड टेल अस हु इज द ओनर ऑफ दैट वॉइस, एंड दैट वॉइस इज गोइंग टू बी ऑफ सिंगर्स। वी हैव गिवन यू अ वेरी गुड क्लू, एंड हियर कम्स द फर्स्ट क्लिप ऑफ टुडे ऑन द स्पेशल डे वेयर वी आर सेलिब्रेटिंग अंताक्षरी विद अ स्पेशल थीम। अच्छा विशाल जी, जी अगर मैं ऑटो चलाता होता जी, और मेरी जिंदगी में मुझे किसी ने इंस्पायर ना किया होता जी, और मुझे पहली बार एक्स फैक्टर जैसे मंच पर खड़े होने का मौका मिलता, मेरे सामने रफी साहब, लता जी, सत्यजीत रे, ऐसे लोग कोई बैठे होते, मैं इसका आधा भी नहीं गा पाता जो आपने भी गाया। मेरी बीवी और मेरे बच्चे का प्यार है, मेरे मम्मी पापा का और सभी लोगों का। मैंने कभी नहीं सोचा था सर कि मैं आप लोगों के सामने भी कभी गाऊंगा। आपकी लगता है बीवी का सपना, आपका सपना अपनी बीवी के लिए शायद सच हो जाएगा। अच्छा विशाल जी, जी अगर मैं ऑटो चलाता होता जी, और मेरी जिंदगी में मुझे किसी ने इंस्पायर ना किया होता जी, और मुझे पहली बार एक्स फैक्टर जैसे मंच पर खड़े होने का मौका मिलता, मेरे सामने रफी साहब, लता जी, सत्यजीत रे, ऐसे लोग कोई बैठे होते, मैं इसका आधा भी नहीं गा पाता जो आपने भी गाया। मेरी बीवी और मेरे बच्चे का प्यार है, मेरे मम्मी पापा का
और सभी लोगों का। मैंने कभी नहीं सोचा था सर कि मैं आप लोगों के सामने भी कभी गाऊंगा। आपकी लगता है बीवी का सपना, आपका सपना अपनी बीवी के लिए शायद सच हो जाएगा। Welcome back, listeners. After that very good clip, you're listening to Live Antakshri with Dadi Middle Singh Vijay and Bala Nagendran. We are hosting this day with a special theme, and hurry up, answer us. In the meantime, we are suffering from some technical drawbacks. We are losing connections with Dadi Middle Singh Vijay, but we do our best to reconnect. However, you don't wait to reply because the buzzer is on. जी, वी हैव कनेक्टेड टू मीनल सिंह जी। हाँ जी, द टाइम इज गोइंग ऑन। नरेश जी का जवाब हमें आ गया है, बिलाल जी का आ गया है। बिलाल जी वेलकम। डोंट नो व्हाई एवरी वीक सैटरडे 9 टू 10 पीएम, संडे 10 टू 11 पीएम आवर नेटवर्क डू सम बिजर्क। ओके फाइन, बजर हैज कम टू इट्स एंड, but at the same time we have been facing some drawbacks. Again, we have lost the line with the Meenal Singh Vijay, but we will do our best to be back as soon as possible. Stay tuned, don't go anywhere. You are listening to Radio Udaan, and this is me, Bala Nagendran, and RJ Meenal Singh Vijay. We'll see you live on Antakshri. Yeah, again she is back. What happens? Yeah, let's have know the answer. Very good opening, very good start. See, this time you have to listen to the voice. This is not going to be the voice of a singer. We are giving you another clue. This voice is of an actor come comedian who might be like me. What do you say, Meenal Singh Vijay? Yeah, ji. Yeah. Your voice is there. No, I got some listeners ki meri awaaz in tak nahi pahunch rahi hai. लिसनर्स की मुझे चैट आ रही है कि मेरी आवाज वहाँ तक नहीं जा रही है। आई होप कि लिसनर्स अब तक अब आपके पास मेरी आवाज आ रही होगी। जी हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। तो चलिए, कोई बात नहीं, ये तो टेक्निकल इश्यू है, ये होते रहते हैं। हम ये कह रहे थे कि अब जो क्लिप आपको सुनाएंगे, इसमें जो आवाज आपको आएगी वो एक कॉमेडियन की आवाज है, और आपको पहचानना है कि ये आवाज किसकी है। सुनने से आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन है ये एक कॉमेडियन ही, काफी अच्छे रोल किए हैं इन्होंने, तो सुन के बताइएगा कि ये किसकी आवाज है। You have to listen to the clip, and second clip is on your way. खैर, मुझसे जब भी कभी घर में फाका होता था, खाने को नहीं होता था, तो मेरे वालिद, मेरे स्टेप फादर मुझसे कहते थे, जा तेरे बाप के पास और उससे कह के 2 रुपया दे। मैं जाता था, छोटा सा बच्चा, रोजाना जाके मेरे बाप से, मेरे अब्बा से 2 रुपए मांग के लाता था। वो 2 रुपए देते थे, वो
वो 15 रुपए उनकी तनख्वाह थी, कब तक देंगे वो? वो 2 रुपए के तनख्वाह लाता था, उसमें 1 रुपए का आटा, 8 आने की दाल, 8 आने का घासलेट, उसमें खाना बनता था। जब खाना मेरी माँ बना लेती थी तब हम खाते थे। ये जिंदगी यूं ही गुजरी है सर, जिंदगी ने ऐश नहीं कराया। जब खाने का वक्त था तब तो रोटी नहीं मिली, और जब रोटी आई तो भूख मर गई। खैर, मुझसे जब भी कभी घर में फाका होता था, खाने को नहीं होता था, तो मेरे वालिद, मेरे स्टेप फादर मुझसे कहते थे, जा तेरे बाप के पास और उससे कह के 2 रुपया दे। मैं जाता था, छोटा सा बच्चा, रोजाना जाके मेरे बाप से, मेरे अब्बा से 2 रुपए मांग के लाता था। वो 2 रुपए देते थे, वो 15 रुपए उनकी तनख्वाह थी, कब तक देंगे वो? वो 2 रुपए के तनख्वाह लाता था, उसमें 1 रुपए का आटा, 8 आने की दाल, 8 आने का घासलेट, उसमें खाना बनता था। जब खाना मेरी माँ बना लेती थी तब हम खाते थे। ये जिंदगी यूं ही गुजरी है सर, जिंदगी ने ऐश नहीं कराया। जब खाने का वक्त था तब तो रोटी नहीं मिली, और जब रोटी आई तो भूख मर गई। जी, तो बहुत इजी एक क्लिप है, वैसे सुनने में बहुत सीरियस है। ये जो एक्टर है ये अपने बचपन की बातें, जो जिन तकलीफों से गुजरे हैं, इन्होंने हमारे साथ, सभी के साथ शेयर किया है। और मैं बता दूं कि जो लास्ट क्लिप थी बाला, उसके भी हमें 3 रिप्लाई और आए थे, संजय बख्शी जी के, गदर सिंह जी का और जावेद जी का। Wait a minute, as the time is moving on, we are looking forward to more replies. So you note down that also, कि पहली क्लिप के इतने जवाब आए थे, इस वाली क्लिप के जो जवाब आए हैं, संजय जी, can you read the names once again? संजय जी, गदक जी एंड जावेद। So good response from WhatsApp. Yeah, बिल्कुल। Time is up. जी, और लोगों की तरफ बफर भी हो रहा है, तो मैं कहूंगी कि एक बार अपने प्लेलिस्ट रिफ्रेश कर लीजिए, और ड्रॉप बॉक्स को अगर हो सकता है या कोई एप्लीकेशन खुली है तो उसको बंद कर लीजिएगा। जो ये वाली क्लिप थी, सेकंड क्लिप, इसके लिए नरेश ने कहा है कादर खान, पारुल जी कहती हैं कादर खान, और सपना जी कहती हैं कादर खान, वरुण जी का कोई जवाब नहीं आया हमें। फिलहाल इतने ही जवाब आए हैं, क्योंकि रेडियो उड़ान की जो ऐप है वो थोड़ी सी डिले होती है, तो हम देख लेते हैं कि किसी की चैट अगर हमें आती है तो। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं तब तक अगली क्लिप के लिए। Yeah, perhaps the last clip of this round. जी, 11 बॉम्बे, जॉय साहब का म्यूजिक, शंकर जयकिशन साहब का म्यूजिक, और जॉय साहब की फिल्म। How did this happen? And I went back into time. उस वक्त मुझे मेरे मामा बहुत याद आए। बचपन से, you know, he used to tell me, जो उन्होंने गाने लिखे शंकर जयकिशन साहब के साथ, मेरे मम्मी के बड़े भाई हैं, सो जयपुरी। एंड माय फेवरेट सॉन्ग ऑफ कोर्स हैज बीन आ जा रहा, आई डोंट नो व्हाई, बट द वे इट वाज पिक्चराइज्ड इन जॉय साहब एंड आशा जी वाज आउटस्टैंडिंग। बट और एक रीजन ये है कि मेरे फादर श्री सरदार मलिक साहब के साथ मैं, नाउ आप तो देखिए मुस्कुरा रहे हैं, बिकॉज मेरा बचपन वही ग्रोटो वेला में बीता है। नॉट मेनी पीपल नो दैट हसनाबाद लेन वॉज माई फेवरेट जगह। आई थिंक मेनी पीपल डोंट इवन नो, बट आई थिंक यू नो एग्जैक्टली वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। मेरी उम्र कोई 10 साल की थी जब मैं वहां और जाया करता था। आई हैड द प्रिविलेज ऑफ वॉचिंग फ्रॉम फार जॉय अंकल एंड द एंटायर फैमिली इन एक्शन।
और वो जो हंगामा होता था शुभीर जी एंड एवरीवन एंड द एंड आई टू लैंड अप देयर इन द मॉर्निंग एंड सी ऑल द स्टॉक एंड आई ग्रू अप विद स्टार्स इन माय आइज ओनली बिकॉज इट वाज सच एन ऑनर टू बी इन ग्रोटोविला. ग्रोटोविला के बारे में बहुत लोग यहाँ जाने, इट्स अ हिस्टोरिकल प्लेस. लव इन बॉम्बे, जॉय साहब का म्यूजिक, शंकर जगदीश साहब का म्यूजिक और जॉय साहब की फिल्म. हाउ डिड दिस हैपन? एंड आई वेंट बैक इनटू टाइम. उस वक्त मुझे मेरे मामू बहुत याद आए. बचपन से यू नो ही यूज्ड टू टेल मी, जो उन्होंने गाने लिखे शंकर जयकिशन साहब के साथ, मेरे मम्मी के बड़े भाई हैं जयपुरी. एंड माय फेवरेट सॉन्ग ऑफ कोर्स हैज बीन आ जा रे आ जा रहा. आई डोंट नो व्हाई बट द वे इट वाज पिक्चराइज्ड इन जॉय साहब एंड आशा जी वाज आउटस्टैंडिंग. बट और एक रीजन ये है कि मेरे फादर श्री सरदार मलिक साहब के साथ मैं नाउ आप जो देखे मुस्कुरा रहे हैं बिकॉज मेरा बचपन वही ग्रोटोविला में बीता है. Not many people know that Hasnabad Lane was my favorite jaga. I think many people don't even know, but I think you know exactly where I'm coming from. Meri umar koi 10 saal ki thi jab main wahan jaya karta tha, and I had the privilege of watching from far Joy Uncle and the entire family in action. Aur wo jo hangama hota tha, Shubhir ji and everyone and I used to land up there in the morning and see all the stock, and I grew up with stars in my eyes only because it was such an honor to be in Grottoville. Grottoville ke bare mein bahut log yahan jaane, it's a historical place. जी दोस्तों, ये हम आपको क्लू दे रहे हैं कि एक म्यूजिक डायरेक्टर भी है और सिंगर भी है. शायद एक आधी मूवी मैंने सुना है कि इन्होंने एक्टिंग भी की है थोड़ी थोड़ी सी, एक आधी मिनट के लिए वो आए भी हैं कुछ मूवी से. In the meantime, have you received any replies of the last questions through WhatsApp? हाँ हाँ बिल्कुल, जावेद जी का हमें रिप्लाई आया था, संजय बख्शी जी का भी रिप्लाई हमें आ गया था, और इस वाले क्लिप या कादर खान राइट देयर. एंड इस वाले क्लिप के लिए भी संजय बख्शी जी का जवाब हमें आ गया है, संतोष जी का जवाब हमें आ गया है व्हाट्सएप पे, जावेद जी का भी जवाब हमें आ गया है, और वरुण जी का, सपना जी का, पारुल जी का, गुलीन जी का भी जवाब हमें आ गया है. नरेश जी का भी जवाब आ गया है. Fine. Time's up. Okay. तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उन पे जिनका भी रिप्लाई आया है उन सबका कहना है कि अनु मलिक की आवाज है. Who are all saying? Can नरेश you... जी, नरेश जी कहते हैं अनु मलिक, और वरुण जी कहते हैं अनु मलिक, सपना जी कहती हैं अनु मलिक, और पारुल जी भी कहती हैं अनु मलिक, संतोष जी जिनका व्हाट्सएप पर आया था आंसर में, और संजय जी का भी व्हाट्सएप पे आया है. जी तो इतने जवाब हमें आज मिले हैं पहले राउंड के लिए, और आगे बढ़ते हैं अगले राउंड के लिए. इसके पहले गुरलीन एंड जावेद वर आल्सो रिप्लाइड. या गुरलीन, जावेद, गुरलीन, एवरीबॉडी सेड अनु मलिक. अनु मलिक या जी, गुरलीन ने भी अनु मलिक ही कहा है. तो आगे बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ. इसके पहले कि हम अगला राउंड शुरू करें, और किसी और के लिए रॉक एंड रोल, किसी और को रॉक एंड रोल खिलाने से पहले मैं बता दूं, हम कहना चाहते हैं कि अंताक्षरी के दौरान हम एक रॉक एंड रोल खिलाते हैं, तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि हमें प्ले लिखकर भेजना होगा. तो जो भी हमारे साथ खेलना चाहते हैं, जब तक ये एड चलता है एक मिनट का, आप उसके बीच. Yes, if you want to play rock and roll with us on air on this great live Antakshri, it's very simple. You have to text us through Radio Udaan Skype ID. Skype ID is Radio Udaan, RADIOUDAAN, as play. Just write PLAY, play, and we will approach you, and through which we can play rock and roll. Suddenly, thanks to internet disruptions, we have lost the connection with Meenal Singh Vijay. However, we'll do our best to rectify that. Don't know what's happening, but we are sure that it'll be back. But we'll be back after a short break on this Radio Dance Live Antakshri with Ajay Meena Singh B and Bala Nagendra. Stay tuned, don't go anywhere. We are hosting Antakshri with a special theme on 7th May 2016 today.
क्या सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम एक मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित, मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई, मैं उसके साथ निकल गई, मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। नैब इंडिया यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया, इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है जहां दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा, रोजगार और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 0226683837। Welcome back to everyone to Radio Udaan, Flight of Life. You are listening to Live on Antakshri with Ajay Middle Singh and Balanagendran. Today, Saturday, 9 to 10 p.m., 60 minutes of fun entertainment is what going to be. But today, we are hosting this show with a special theme, a theme that has some sadness, that has some collection of memories. But at the same time, we are also facing some sad scenarios because of poor internet that we couldn't do anything about it. So we hope that you can understand the problem. Inconvenience is regretted. At the same time, we will do our best to reconnect the Skype host and the show's pioneer, Ajay Medal Singh Viji. In the meantime, I would like to read the scores that you have scored in the first round. So it is fortunate that we have been reconnected with Ajay Medal Singh Viji on this live on Talk Today. I would like to welcome Medal Singh Viji. Medal Singh Viji, if you can hear me. Yeah, bilkul. Pata nahi bala, there is some mistake in your Skype and my Skype. Perhaps there is a mistake in the server. चलिए कोई बात नहीं, हम वरुण को लेने की कोशिश कर रहे थे रॉक एंड रोल के लिए, तो आई थिंक वरुण जी हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। In the meantime, I would like to read the scores of the first round. Naresh Bhai scored 3, Bilal Ji 1, Sapna Ji 3, Varun Ji 2, Farul Ji 3, Sanjay Ji 3, that Ghazal sir, he scored 1, Javed 3, Gurlin 2, Santosh Ji 1. So there is a tough competition. Many people have scored 3, so we have to continue to play. जी चलिए, वरुण जी को हम लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे, तो क्यों ना हम सेकेंड राउंड खिला लेते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है बाला। जी बिल्कुल, तो चलिए हम सेकेंड राउंड खिलाते हैं। सेकेंड राउंड में हम आपको गाने की बिगिनिंग यानी कि जो दोहा जिसे हम कहते हैं वो सुनाएंगे और आपको दोहा सुनकर बताना है कि वो गाना कौन सा है, दोहे के बाद में वो गाना कौन सा है आपको ये बताना है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। और मैं ये बता दूं कि संतोष जी और संजय जी हमारे साथ रॉक एंड रोल खेलना चाहते हैं, लेकिन संतोष जी आपको हमें इसके लिए स्काइप पे कॉल करना पड़ेगा तभी हम आपको रॉक एंड रोल खिला सकते हैं, तो इसके लिए हम जरूर आपसे माफी मांगना चाहेंगे। और संजय जी आप तो स्काइप पर हो भी,
तो अगर आप रॉक एंड रोल खेलना चाहते हो तो इसके लिए आपको हमें स्काइप पे कॉल करना पड़ेगा, तब हम आपके साथ रॉक एंड रोल खेलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब तक कि हम वरुण को ले अगले राउंड के बाद, इस राउंड के बाद तो हम ये राउंड खेल लेते हैं। इसमें आपको आवाज सुनाएंगे, एक गाने की बिगनिंग की दोहा सुनाएंगे, आपको बताना है कि गाना कौन सा है। तो सबसे पहले So we will play rock and roll with Varun after this round. So shall we go? Yeah. First clip on your way, 9:25 on the clock. जी दोस्तों, ये तो बहुत अच्छा गाना है, बहुत पॉपुलर भी गाना है, और जावेद जी का, संजय जी का, नरेश जी का और भी काफी लिसनर्स का मुझे जवाब भी आ गया है। जी तो बाला, इसके लिए बजर भी नहीं है ना, सेकंड टाइम हमने प्ले कर दिया। जी सेकंड राउंड वी हैव नो बजर्स, वी कैन हैव द आंसर्स राइट अवे। ओके, तो दो बार हमने एक क्लिप चलाई थी, सेकेंड टाइम जो चलती है वो एज अ बजर हम लेते हैं इस वाले राउंड में। तो जावेद जी कहते हैं तुझे याद न मेरी आई, एंड संतोष जी भी कहते हैं तुझे याद न मेरी आई, नरेश जी कहते हैं तुझे याद न मेरी आई, गुलीन जी भी कहती हैं तुझे याद न मेरी आई, वरुण जी भी कहते हैं तुझे याद न मेरी आई, बिलाल जी भी कहते हैं तुझे याद न मेरी आई। जी से या वी कैन मेक द लिसनर्स टू लिसन द बिगिनिंग। यस जी
Wait, don't stop. सेम क्लिप नहीं थी. वेल, हम ये आपको गाना बिगनिंग से सुनाना चाह रहे थे, लेकिन खैर क्योंकि आप लोग गड़बड़ कर रहे हो तो कोई बात नहीं, हम अगली क्लिप चलाते हैं. अगला दोहा आपके सामने ये रहा. एक्चुअली हम चाहते थे कि आपको बताएं कि ये कौन सा गाना था. वेल, ये वही गाना है, तुझे याद न मेरी आई. तो संजय बख्शी जी, जावेद जी, संतोष जी, नरेश जी, गुलिन जी, जिसका भी जवाब आया है सभी का सही जवाब आया है. बिलाल जी का भी जवाब आया था. तो चलिए अगले दोहे की तरफ चलते हैं. अगला दोहा इस राउंड का ये रहा आपके सामने. ना दिन को सकून है शाकिर, ना रात को सकून है, ये कैसा हम पे उमर इश्क का जुनून है. जो रचाए है तूने हाथ मेहंदी को सकून है, ये कैसा हम पे उमर इश्क का जी. ये तो बहुत इजी होनी चाहिए मेरे हिसाब से. वैसे संतोष जी का जवाब हमें आ भी गया है, नरेश जी का भी आ गया, वरुण जी का, गुलीन जी का, काफी सारे चैट आ रहे हैं, बिलाल जी का भी जवाब हमें आ गया है. बहुत अच्छा, बहुत पॉपुलर, बहुत मतलब सुनने में भी काफी अच्छा लगता है ये गाना. वो मेहंदी नहीं है. और मैं लिसनर्स बता दूं कि मेरे हस्बैंड मुझे गाना सुना सुना के चिढ़ाते बड़ा है. सेकेंड क्लिप भी खत्म हो गई. सेकेंड टाइम की जो क्लिप थी वो भी खत्म हो गई. तो जो आंसर हमें आए हैं, गुलीन जी कहती हैं अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, नरेश जी, वरुण जी, बिलाल जी, और संतोष जी, या नरेश जी, संतोष जी, सभी ने एक ही जवाब दिया है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का. और सभी का आंसर बिल्कुल सही है. चलिए पॉइंट्स काफी बराबर बराबर जा रहे हैं, तो देखते हैं कि कौन एंड में विनर होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्लिप की तरफ. अगली क्लिप है इस राउंड की आखिरी क्लिप. बेजान दिल को, बेजान दिल को, बेजान दिल को तेरे इश्क ने जिंदा किया, फिर तेरे इश्क ने ही इस दिल
जी दोस्तों, ये तो बहुत अच्छा गाना है सच में. मतलब कुछ शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए. गाया भी बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत, एक्चुअली सारे ही गाने बाय हार्ट गाए जैसे लगते हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे थे जो वाकई में दिल को छू जाते हैं. बस ये गाना भी उन्हीं में से एक है. रात को कभी तनहा बैठे हो तो बहुत अच्छा लगता है गाना. जी कहते हैं, नरेश जी कहते हैं, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही. दानिश जी का भी जवाब आया है, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही. वरुण जी भी कहते हैं, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही. गुलीन जी भी कहती हैं, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही. जी, और बिलाल जी, अच्छा बिलाल जी, संतोष जी भी कहते हैं, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही. और बिलाल जी का एक बार फिर व्हाट्सएप पे भी आया कि तड़प तड़प पे तड़प तड़प से दिल से आह निकलती रही. जी बिल्कुल, यही गाना है और वाकई में बहुत दिल को छू जाए जैसा गाना है ये. चलिए कोई नहीं, ए राउंड इसी के साथ यहाँ पर खत्म होता है. हम आगे बढ़ते हैं अगले राउंड के लिए, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक. We'll meet you all after a short break. You are listening to Radio Dance live on Antakshri. रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार. मेरा नाम मधु सिंघल है. मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ. इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार है. यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं. इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैंड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं. कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं. दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है. आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं. यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625. ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org. वेबसाइट है www.mitrajyoti.org. जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से. संजय जी, आपके आंसर्स थोड़े से लेट आ रहे हैं हमें. बाकी जो और भी व्हाट्सएप पे आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही टाइम पे दे रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि आपके आंसर हमें सही टाइम पे मिले. वेल, इस वक्त हमारे साथ रॉक एंड रोल के लिए जुड़े हैं वरुण जी. वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान में. थैंक यू. और रेडियो उड़ान के सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार. वरुण जी, हम चाहेंगे एक बार आप अपनी प्लेलिस्ट को अगर बंद कर दें या फिर थोड़ा साउंड कम कर दें. मेरी प्लेलिस्ट बंद है. ओके, चलिए. तो वरुण जी, आपको तो पता ही है, वैसे जो हमारे नए लिसनर्स हैं उनके लिए हम बता दें, रॉक एंड रोल में ये होगा कि हम एक रोल को प्ले करेंगे जिसकी आपको आवाज आएगी, जिसमें आपको एक से लेकर छह तक नंबर मिलेंगे. अब वो कुछ भी हो सकता है, 1, 5, 6, 4, 2 कुछ भी नंबर हो सकता है. उन नंबर्स को हम आप जब तक बोलोगे रोल करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक आने से पहले पहले आप हमें रोक दें. अब हम नहीं जानते कि कितनी बार रोल करने से एक आएगा. आप जितना भी चाहो रोल करवा सकते हो. जितने भी रोल आप बनाएंगे यहाँ पर, पॉइंट बनाएंगे, उतने का आपको रिचार्ज मिलेगा रेडियो उड़ान की तरफ से. तो वरुण जी, आप तैयार हैं? बिल्कुल जी. तो वरुण जी, सबसे पहले ये रहा आपका रोल. थ्री, सबसे पहले आपका. ओके, थ्री रोल लगे. एक और रोल करते हैं. टू, सेकेंड रोल.
5. Okay, one more. Okay. Only one more? No, three. No. 3, 2, 3. 8. 8. Again? Okay. 6. 6. Wow, direct. 14. Again? 14. तो आप आगे और खेलना चाहते हैं वरुण जी वरना आ जाए कोई बात नहीं आ जाएगा तो कोई बात नहीं 5 5 19 19 ओके अगेन 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 19 डोंट वरी ऑल द बेस्ट 6 वाव 25 ओके वन लास्ट वरुण जी वन आ जाएगा कोई बात नहीं आ जाएगा कुछ नहीं होता 2 बन नहीं आया 27 ओके ठीक है आप एक बार लास्ट हो बस देखिए कहीं वन ना आ जाए लालच बुरी चीज होती है 27 बहुत अमाउंट होता है कोई बात नहीं एक हफ्ता आप अपनी गर्लफ्रेंड को मिस कॉल दे सकते हो और और अगर गर्लफ्रेंड ही ना हो तो चलो ट्राई तो कर सकते हो किसी लड़की से बात करने के लिए वन लास्ट चलिए 5 32 32 ओके क्विक श्योर आप क्विट करना चाहेंगे एक और लास्ट चांस लेना चाहेंगे नहीं क्विक 32 रुपीस पे चलिए हम देखते हैं कि इसके बाद अगर आप करते हैं रोल तो कितने आते हैं आपको पॉइंट्स 1 वरुण जी आप बहुत तक रहे कि आपने नहीं खेला तो आप आज 32 रुपए जीत के जा रहे हैं रेडियो उड़ान से तो बहुत बहुत बधाई हो वरुण जी आपको और मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय कर रहे होंगे आज का शो बिल्कुल बिल्कुल मैं इंजॉय कर रहा हूँ थैंक यू वरुण जी थैंक यू सो मच आप हमारे शो में आए और काफी अच्छा खेला आपका जो रिचार्ज है आप हमें अपना नंबर और नेटवर्क जो भी है यूज करते हैं उसका आप हमें मैसेज कर दीजिएगा बहुत जल्दी आपको रेडियो उड़ान की तरफ से गिफ्ट मिल जाएगा थैंक यू जी दोस्तों देखा आपने वरुण जी हमारे साथ आए खेले और 32 रुपीज का रिचार्ज वो जीत के यहाँ से गए हैं आप भी हमारे साथ खेल सकते हैं आप भी हमारे साथ जीत सकते हैं काफी सारे पैसे काफी सारे रिचार्जेस के लिए भी तो इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है हमें प्ले करके मैसेज करना है और फिर हम आपके साथ खेलेंगे रॉक एंड रोल चलिए आगे बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और अब हम शायद रॉक एंड रोल भी नहीं ले सकते आज के लिए सिर्फ एक ही रॉक एंड रोल होगा तो बाला आप रेडी हो तीसरे राउंड को लेकर जी बिल्कुल द थर्ड राउंड एंड द लास्ट राउंड ऑफ टुडेज अंताक्षरी वी आर रेडी टू मूव जी तो संजय बख्शी जी जावेद जी पाकिस्तान से काफी लोग हैं जो हमारे साथ रेडियो उड़ान के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी खेल रहे हैं संतोष जी ये लोग सब व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें रिप्लाई कर रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चलिए जो तीसरा राउंड है इसमें हम खिलाएंगे अंतरा अंतरा हम आपको सुनाएंगे यानी कि गाने को बीच से सुनाएंगे और आपको बताना है कि इस गाने की बिगिनिंग क्या है याद रखिएगा गाने को हम बीच में सुनाएंगे आपको बताना है कि गाने की बिगनिंग क्या है तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा राउंड और ये रही सबसे पहली क्लिप आपके सामने कैसे कहूं बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी कैसे कहूं बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी
कोई बद्दुआ होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। जी तो बहुत अच्छी आवाज, बहुत अच्छा गाना। वाकई में बाला, मानो या ना मानो, सैड सॉन्ग जब हम सुनते हैं तो सच में बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मन थोड़ा सैड सैड जरूर हो जाता है, लेकिन सुनने में काफी अच्छे लगते हैं। वेल, मैं बता दूं आपको कि इसके जो जवाब हमें आए हैं वो आए हैं, खुशी जी का जवाब हमें आया है। खुशी जी कहती है, ये तो जी कैसे जवाब आए हैं, बहुत लेट सर, बहुत प्यार करते हैं सनम जी के। कहती है ये तो जिए कैसे, हरीश जी कहते हैं ये तो जिए कैसे, वरुण जी कहते हैं ये तो जिए कैसे, बिलाल जी कहते हैं ये तो जिए कैसे, और संजय जी कहते हैं ये तो ये कैसे, इतना कैसा है। और हम देख लेते हैं कि व्हाट्सएप पे हमको किस किस ने जवाब दिया है, तो मैं बता देती हूँ आपको कि जो व्हाट्सएप पे जो जवाब में आए हैं वो है, मजर अली का जवाब आया है, बिना आपके, शायद ये पीछे से दिख रहे हैं, संजय बख्शी जी कहते हैं ये तो जी, इन्होंने बता दिया था, जावेद जी कहते हैं पाकिस्तान से जिए तो जिए कैसे, और संतोष जी कहते हैं जिए तो जिए कैसे। तो व्यूज रिप्लाई से वाला और सभी ने दिशा जी को छोड़ के और मजा जी को छोड़ के, क्योंकि मजा जी ने गाना तो सही बताया लेकिन बिगनिंग से नहीं बताया, बिन आपके यहाँ से नहीं है, जिए तो जिए कैसे बिन आपके यहाँ से बिगनी है, तो दो को छोड़कर बाकी सभी के आंसर सही है। मुझे लगता है इस बाला को काफी प्रॉब्लम हो गई है टैली करने के लिए, क्योंकि इस वाले राउंड में हम हमेशा की तरह 5 पॉइंट देते हैं, तो बाला 5 पॉइंट्स रियली टफ फॉर यू। फर्स्ट टाइम आई फील दैट द स्कोरर इज बीइंग ट्रबल्ड, नो प्रॉब्लम, 5 पॉइंट्स फॉर एवरीबॉडी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्लिप की तरफ, ये इस राउंड की आखिरी, इवन आज के शो की शायद आखिरी सेकेंड क्लिप है, चलिए देखते हैं अगर टाइप नहीं हुआ तो। चलिए आखिरी क्लिप, सेकेंड लास्ट क्लिप इस शो की, जिए तो जिए तेरी वो बातें वो चाहत की रस्में, झूठे थे वादे क्या झूठी थी कसमें, जान तमन्ना क्या ये सच है बस इतना कह दे, तेरी वो बातें वो चाहत की रस्में, झूठे थे वादे क्या झूठी थी कसमें, तेरी वो बातें वो चाहत की रस्में, झूठे थे वादे क्या झूठी थी कसमें, जान तमन्ना क्या ये सच है बस इतना कह दे। जी तो काफी टाइम बाला ने इस सारे क्लिप को चला दिया है, और वरुण जी का जवाब हमें आ गया है, वरुण कहते हैं चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम, किसी जी कहती हैं चाहा है तुझको, नरेश जी कहते हैं चाहा है तुझको चाहूंगा, बिलाल जी कहते हैं चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम,
कहानी कहते हैं कहा है तो Actually, here goes the lead line. Naresh ji is on 15 points with the lead. Guruji ji finally joined in the last round. Two questions, 10 points straight away. Bilal ji is at second place with 14. Varun ji joins with Naresh ji with 15. Santosh ji ka bhi jawab aa gaya hai. Santosh WhatsApp pe actually thoda sa late aa rahe hain jawab, so isliye hum thoda sa late pad rahe hain. Aur Santosh ji ka bhi jawab aa gaya hai. Chaha hai, jo ki bilkul sahi hai. संजय बख्शी जी का भी थोड़ा डिले है और मजहर अली जी कहते हैं कि चाहूंगा हरदम बट चाहूंगा हरदम नहीं है चाहा है ये वाला सीन है. So first place joined by shared by Naresh ji and Varun ji, second place by Bilal ji, third place by Santosh ji with 13 points. जी नरेश जी on 16 points and जावेद जी संजय जी अपाला यू ओके पॉइंट हम लास्ट में बताएंगे. पहले हम चलते हैं आखिरी क्लिप पे, देखते हैं कि आखिरी होती है नहीं होती. इसके बाद हमें एक और क्लिप चलानी पड़ेगी क्या. बट इस राउंड के आखिरी क्लिप और पॉइंट जो है वो हम आपको बताएंगे सबसे लास्ट. यस बात जी, वी आर गोइंग टू प्ले द लास्ट क्लिप ऑफ दिस राउंड. मेरे दिल की राहतों का तू जरिया बन गई है, तेरे इश्क की मेरे दिल में कई दिन गई है, तेरा जिक्र हो रहा है, तेरा जिक्र हो रहा है, मेरे दिल की राहतों का जरिया बन गई है, तेरे इश्क की मेरे दिल में कई दिन गई है, तेरा जिक्र हो रहा है, तेरा जिक्र हो रहा है, मेरे दिल की राहतों का बन गई ये गाना तेरे इश्क की मेरे दिल में कई दिन गई है, तेरा जिक्र हो रहा है, तेरा जिक्र हो रहा है, मेरे दिल की राहतों का जरिया बन गई है, तेरे इश्क की मेरे दिल में कई दिन गई है, तेरा जिक्र हो रहा है, तेरा जिक्र हो रहा है. Okay, only one answer. No, not one answer. Naresh ji ka aur Kulin ji ka jawab mein aa gaya hai. Aur ab dekhna hai ki score kya batate hain. Pala, kya hum ye gana pick kar sakte hain? Naresh ji kehte hain tujhe yaad kar liya hai aur Kulin ji bhi kehti hai tujhe yaad kar liya hai ayat. तो बाला क्या हम ये गाना सुना सकते हैं? लेट्स मेक द लिसनर्स लिसन द बिगिनिंग. तब तक हम टैली करके आते हैं. तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, तो
संजय जी का भी जवाब हमें आया था, लेकिन बहुत लेट आया था, शायद इनके मार्क्स लेना थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए। और संतोष जी का जवाब आया था लेकिन थोड़ा सा लेट। वेल पाला, आप हमें स्कोर बताने का टाइम हो क्या? क्या इसका I am glad to read the scores because I thank the participants who have troubled me in scoring because many replies today. Here we go, the score. Naresh ji scored 21, Bilal ji 14, Sapna ji 3, Varun ji 16, Farul ji 3, Sanjay ji 20, Hazal ji 1, Javid ji is on 13, Gurlin ji is on 15, Santosh ji is on 18, Danish ji 1 plus, Gushi ji is on 10, Sanjeev ji is on 5. So these are the scores. So 21, 20, 18, 16, very short. बहुत कम, बट फिर आज के जो विजेता रहे हैं वो है नरेश, यानी कि आज हमें टाई अप करने की, टाई अप चलाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इसी के साथ आज का ये जो है हमारा यही पर खत्म होता है। और कल मदर्स डे है तो सभी माओं को हमारी तरफ से रेडियो उड़ान की तरफ से हैप्पी मदर्स डे और एंजॉय करिए। और जो बच्चे हैं, जो लिसनर्स हमारे साथ अभी सुन रहे हैं, जो माँ या बाप नहीं बने हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो कल अपनी मम्मी को कोई एक छोटा सा गिफ्ट जरूर ला के देना। एक याद रहेगा उन्हें हमेशा की तरह। जैसे आपने अगर हमारी एक आरजे प्रिया का प्रोमो सुना होगा तो आप बिल्कुल लगेगा, बहुत हार्ट टचिंग होती है माए की फीलिंग जो होती है, किसी के लिए भी समझ पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एक छोटा सा गिफ्ट उन्हें दे देंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। हालांकि कहते हैं ना कि जब सैलरी आती है तो जितनी खुशी हमें होती है, और माए जो होती है वो पूरा दिन काम करती है लेकिन बिना सैलरी, तो यही एक सैलरी संबंध हो या यही एक गिफ्ट संबंध होता है जो उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा कि आज मेरे बच्चों ने मुझे गिफ्ट किया। तो जरूर एक दिन नहीं, हर दिन अपनी माँ को याद करिए और उन्हें अच्छे अच्छे मौके दीजिए, खुश रखिए, यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए आज के लिए इतना ही, मैं आपसे विदा लेती हूँ, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी दिन इसी वक्त इसी शो में जिसका नाम है लाइव अंताक्षरी। मेरी तरफ से गुड बाय, नाउ पाला यू आर द। Yeah, congratulations to Naresh Band. Congratulations to all the participants. Thanks for your wonderful response through WhatsApp. We will continue to do our best to rectify all the errors that we have committed today. Inconveniences, seriously, we regret it. They are all due to technical difficulties. We will do our best to make sure that we are zero tolerance towards such technical issues. However, it's time for us to take a leave and to pave way for Ajay Danish Mahajan to host the debate. The topic of the debate is democracy in India in danger? So you can speak on yes as well as no. Call us. This is a public debate. Anyone can call and join. We will meet you all tomorrow 10 p.m. on the Mother's Day on your most informative show, Mrs. Confusion. But I will meet you tomorrow 8 o'clock on World This Week, the most informative show under here. Don't miss Radio Udaan. Stay tuned to Radio Udaan. Keep listening to Radio Udaan. Advance. Happy Mother's Day. Good night.